नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर केविन पीटरसन का भारत से बहुत ही गहरा रिश्ता है। केविन पीटरसन अक्सर भारत में कमेंट्री करने के लिए आते रहते हैं। आईपीएल हो या भारत की घरेलू सीरीज, पीटरसन अक्सर कमेंट्री करते हुए आपको दिखाई दे जाएंगे। केविन पीटरसन का लगाव भारत से ऐसा है कि पीएम मोदी ने भारत के 73वें गणतंत्र दिवस पर उन्हें बधाई संदेश भी भेजा था। पीटरसन भी भारत के हर त्योहार और स्पेशल इवेंट पर हिंदी में ट्वीट कर बधाई संदेश देते रहते हैं। लेकिन अब वही पीटरसन एक बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं, जिसके बाद उन्होंने पीएम मोदी से मदद की गुहार लगाई है। दरअसल केविन पीटरसन ने मंगलवार को ट्वीट कर बताया कि वह मुसीबत में आ गए हैं, जिसके बाद उन्होंने अपने फैंस से मदद मांगी और साथ में ट्वीट किया और पीएम मोदी को टैग भी किया। क्या है केविन पीटरसन की मुसीबत, चलिए आपको बताते हैं। बता दें कि इंग्लैंड के पूर्व कप्तान और धुरंधर बल्लेबाज रहे केविन पीटरसन का पैन कार्ड कहीं खो गया है। इसके बाद उन्होंने भारत से मदद मांगी है। पीटरसन ने मंगलवार को हिंदी और इंग्लिश में ट्वीट किया। हिंदी में ट्वीट करते हुए केपी ने लिखा, भारत कृपया मदद करें, मैंने अपना पैन कार्ड खो दिया है और सोमवार को यात्रा कर रहा हूं, लेकिन काम के लिए फिजिकल कार्ड की जरूरत है। क्या कोई कृपया मुझे किसी ऐसे व्यक्ति के पास भेज सकता है जिससे मैं अपनी सहायता के लिए तुरंत संपर्क कर सकूं। उन्होंने इसमें भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी टैग किया है। वहीं पीटरसन के ट्वीट पर भारतीय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने मदद करने की पेशकश भी की है। इनकम टैक्स विभाग ने फौरन उनके ट्वीट का रिप्लाई करते हुए पैन कार्ड वापस पाने का तरीका बताया। इनकम टैक्स विभाग ने ट्वीट किया और लिखा, हम यहां आपकी सहायता के लिए उपलब्ध हैं। यदि आपके पास अपना पैन विवरण है तो भौतिक पैन कार्ड वापस पाने के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया के लिए कृपया इन लिंक पर जाएं। तो अब आप समझ सकते हैं कि पीटरसन किस तरह से मुसीबत में फंस गए, जिसके बाद उन्हें पीएम मोदी से मदद मांगनी पड़ी। साथ ही हिंदी की ताकत एक बार फिर से आपको देखने को मिली, जिस तरह से एक अंग्रेजी खिलाड़ी ने अपनी समस्या साझा करते हुए हिंदी में ट्वीट कर सबसे मदद मांगी है। बहरहाल आपको बता दें कि पीटरसन भारत में क्रिकेट से जुड़े होने के अलावा असम में कई प्रोजेक्ट्स पर लगातार काम कर रहे हैं। पीटरसन गैंडों को लेकर कुछ प्रोजेक्ट कर रहे हैं। असम में इनकी संख्या काफ़ी अधिक है, ऐसे में वो अक्सर भारत आते जाते रहते हैं और कई ऐसे कामों में वो व्यस्त रहते हैं।